देखिए किस किस सिचुएशन में हमें एनेस्थीसिया देना चाहिए, जैसे आपने एक बात की कि सारे ऑपरेशंस में हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ होते हैं कि जिनमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कुछ कह लें कि पर्टिकुलर भी चीज़ें देते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? देखिए एनेस्थीसिया की ब्रॉड अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा तो वो है जिसमें आप जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी जिसमें पूरा मरीज़ जो है उसको आप बेहोश कर देते हैं और आप उसकी वो तो यानी उसके सेंसेस जो है उनको कट ऑफ कर दिया जाता है टोटली, एंड ही इज़ अस्लीप, ही और शी इज़ अस्लीप, ठीक है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो उसके दौरान पूरा हो जाता है, ठीक है। एक सी दूसरी कैटेगरी है जिसको आप रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया के फिर आगे दो कंपोनेंट है, एक को हम आप यानी कह लें कि इसमें हराम मगज़ के अंदर हम जो है उसके अंदर, अच्छा, नॉट एग्जैक्टली हराम मगज़, उसके अराउंड जो फ्लूइड होता है या उसके अराउंड जो कैविटी होती है वहाँ पे उसमें हम एक ड्रग इंजेक्ट करके वो जो बैक पे इंजेक्शन लगाया जाता है, हाँ जी, स्पाइनल उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसपे हम नीचे का जो धड़ है उसको जो है ना आप सुन कर देते हैं टेम्परेरीली 3 घंटे 4 घंटे के लिए, ठीक है, और उसके अंदर जो नीचे टांगों का ऑपरेशन है, जैसे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन हैं वो हम इस तरीके से कराते हैं। इसी तरह कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके अंदर आप कुछ खास नसें हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जैसे आप कंधे की बात करें तो यहाँ से जो नस निकल रही होती है आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, और आपका मरीज बाकी जाग रहा होता है, कंफर्टेबली उसकी सर्जरी जो है यहाँ पे उसके बाजू के ऊपर, तो इस तरीके से इसको लोकल एनेस्थीसिया या पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स जो हैं वो बोलते हैं। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसके लिए देखा यह जाता है कि मरीज़ की सर्जरी क्या है, इसके अलावा मरीज़ जो है उसका ऑपरेशन कौन सा होना है, सर्जन की एक्सपर्टीज क्या है, एनेस्थेटिस्ट की एक्सपर्टीज क्या है, क्योंकि ये ब्लॉक जो हैं, ये जिसको हम रीजनल ब्लॉक बोलते हैं, ये आजकल आप कहने के बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, और इसके साथ ये है कि आप शायद सुन के हैरान होंगी कि इनको हम अल्ट्रासाउंड से लगाते हैं। अच्छा जी, वाह जी वाह, हाँ जी, तो क्योंकि आपके लिए शायद रेडियोलॉजिस्ट तक अल्ट्रासाउंड का यूज़ कन्फाइंड था, लेकिन इस वक्त जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं उनको ये कहा जाता है कि उनकी नई स्टेथोस्कोप जो है वो अल्ट्रासाउंड है। ओह वाह, मतलब इसमें भी कह ले कि एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं एनेस्थीसिया के अंदर भी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि बहुत से लोग जनरल एनेस्थीसिया से डरते हैं, वो कहते हैं जी हमने फुल बेहोश नहीं होना, पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, उठे या ना उठे, तो ये क्या वजह है, लोगों की अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर? इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं, ये जनरल एनेस्थीसिया का खौफ इतना ज़्यादा है, क्या वजह है? ये तो देखें, एक जनरल सा एक कॉन्सेप्शन है कि हर शख्स जिसको भी एनेस्थीसिया मिलना हो उसको शायद सर्जरी से ज़्यादा खौफ एनेस्थीसिया का होता है, बेहोश होने का, बहुत खौफ होता है, और उसके पीछे वो ये है कि जी पता नहीं हम शायद उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो कुछ लोग तो प्रेफर करते हैं कि जी हमें आप किसी तरीके से जो है ना हमारी को नस सुन करें, कुछ भी करें, हम जागते रहें। लेकिन यह है कि इसमें मैंने आपको बताया ना कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिनके लिए मजबूरी है, जैसे कि बाईपास की सर्जरी होनी है, तो लंग्स का ऑपरेशन है, पेट का मेजर ऑपरेशन है, ब्रेन का ऑपरेशन है, तो उसके लिए मजबूरी है कि आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है, आपको एनेस्थीसिया पूरा बेहोश करना ही पड़ता है उनको।